खुशामदीद इस्लाम, मैं हूं मिडफायर और आज मेरे पास काफी न्यूज है आप लोगों के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली YouTube का सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो का रिकॉर्ड टूट चुका है और YouTube ने खुद तोड़ा है। यानी कि कुछ दिनों पहले YouTube पे अपलोड होने वाली वीडियो YouTube Rewind 2018 ने क्रॉस कर लिया 10 मिलियन डिसलाइक्स। इस वीडियो से पहले मोस्ट डिसलाइक वीडियो जस्टिन बीबर की थी जिसका नाम था बेबी, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पे यानी कि थोड़ी सी बेहतर है YouTube Rewind 2018 से। तो जब YouTube को ये मालूम हुआ कि उनकी वीडियो ने मोस्ट डिसलाइक वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उन्होंने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, न्यू रिकॉर्ड, ओह वेट, थैंक्स टू द क्रिएटर दैट टुक पार्ट इन रिवाइंड एंड द कम्युनिटी दैट रिस्पोंडेड, वी हियर व्हाट यू आर सेइंग एंड वी वांट टू मेक नेक्स्ट ईयर बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, वॉच दिस स्पेस। अब YouTube ने ये ट्वीट तो कर ही दिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि वो तंज कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम वाकई में कुछ बेटर करेंगे। इस चीज को जानने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर का इंतजार करना पड़ेगा और इसके अलावा मुझे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो ऑलमोस्ट मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़ैद अली पाकिस्तान आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि ज़ैद अली पाकिस्तान आए हुए हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें, और अगर पता भी है फिर भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने आप लोगों को अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ज़ैद अली डक्की भाई से भी मिलने आए हुए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान आए तो ऑफकोर्स डक्की भाई से मिलकर जाएंगे ही। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, मैंने आप लोगों से साथ ये भी पूछा था कि क्या ये कोलैब कर सकते हैं, तो इसी चीज का मेरे पास आज जवाब आ चुका है। तो डक्की भाई ने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, गिव मी एंड ज़ैद अ डेयर लिटरली एनी डेयर, जिसके रिप्लाई में शावेर जाफरी ने ये कहा, ड्रेस अप लाइक पुलिस ऑफिसर एंड गिव ट्रैफिक टिकट्स टू पुलिस इन लाहौर। लेकिन अब इस कोलैब को और एक्साइटिंग बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस कोलैब के अंदर हो सकता है खुजली फैमिली भी हो, क्योंकि हसीब इसमें तो रजा समो ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में कुछ वीडियोस पोस्ट की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी तक मुझे यही क्लिप्स मिली है, तो आप लोग ये देख के तो आइडिया हो ही गया होगा ये कोलैब होने वाला है। और दूसरी तरफ से इसी चीज के रिलेटेड एक और स्टोरी बनती है कि डक्की भाई ने अभी तक अपनी प्यूडीपाई वर्सेस टीसीडीज वाली वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, क्योंकि वो बिजी है इनके साथ। तो इस स्लो वीडियो कैजुअल की वजह से उनका जो 1 मिलियन का माइलस्टोन है वो हो सकता है इस साल ना हिट कर पाए, क्योंकि उनका सब काउंट बहुत स्लो है। तो आई होप कि वो वीडियोस अपलोड करें, वो इस साल से पहले 1 मिलियन हिट कर लें, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा सनाज भगत की आज बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं। तो जहाँ तक बात है मर्चिस की, तो आप लोग अगर दाश हजार शो के फैन है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में। तो अपनी मर्च के बारे में उन्होंने ये बताया कि वो 100K पे लॉन्च होगी, और इसके अलावा उन्होंने एडिटर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए लर्स भेजने की भी अनाउंसमेंट किया। तो आप खुद सुन लें कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारे हो जाएंगे, इंशाल्लाह जब भी हुए 100K, तो फिर अपनी मर्च लॉन्च करूंगा और मर्च के साथ लर्स भी बेचेंगे हम। प्रीसेट पता नहीं बेचूं, पता नहीं इतने खास है तो नहीं, लेकिन शायद गोल्डन एप्रिकॉट बेच। तो हाँ, और एक न्यूज जो YouTube की तरफ से आई है हमारे क्रिएटर्स के लिए वो ये है, वो जो नकली सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो रिमूव हो जाएंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स कम होंगे इन दिनों में। इस चीज को लेकर दानियाल खान तरीन ने भी अपने इंस्टाग्राम पे रिएक्ट किया, उनके ओपिनियंस के मुताबिक उन्हें ये चेंज पसंद आया है। इस चीज के रिलेटेड अगर मैं भी ओपिनियंस दूं तो मैं यही कहूंगा कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो अब थोड़ी सी अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। 20x स्क्रीड ने क्रॉस कर लिए 8K सब्सक्राइबर्स, इसके साथ द फन फिन ने क्रॉस कर लिए 30K सब्सक्राइबर्स, बैटल गेमिंग ने क्रॉस कर लिए 70K सब्सक्राइबर्स, अनुशे खान ने क्रॉस कर लिए 100K सब्सक्राइबर्स, और जो नेक्स्ट अचीवमेंट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तानी रैपर की तरफ से, चैन के की तरफ से उन्होंने क्रॉस कर लिए 100K सब्सक्राइबर्स। और मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा हसी टीवी ने क्रॉस कर लिए 600K सब्सक्राइबर्स, और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है नॉलेज पावर की तरफ से, उन्होंने क्रॉस कर लिए 700K सब्सक्राइबर्स। और हाँ, एक और अपडेट, सनी जाफरी ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके सिर्फ सनी रख लिया है। और एक और इंटरनेशनल न्यूज जो मैं देना चाहता था वो रिलेटेड ड्रैगन बॉल सुपर के, तो कंजैरो ने अपने ट्विटर पर यह ट्वीट किया कि आज जापान में ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली वाली मूवी रिलीज हो चुकी है, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर के फैन के लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। इसका मतलब मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन अभी तक सिर्फ जापान में अवेलेबल है, पाकिस्तान में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं तो मैं आप लोगों को एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इस मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं फैन तो फिर भी जाकर देखना है। तो बस आज के में इतनी न्यूज थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।